नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, अभी आप ईपीएफओ के एक्टिव मेंबर है, तो आपके लिए यहां पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 4/11/2022 को ईपीएफओ की हायर पेंशन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था और ईपीएफओ को 8 सप्ताह के भीतर यानी कि 2 महीने के भीतर इसके बारे में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे। वहीं पर 4 महीने के भीतर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यदि कोई हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहता है तो विकल्प चुनने का ऑप्शन भी दिया था। इसी को लेकर ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का विकल्प दिया जाएगा, किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का विकल्प नहीं दिया जाएगा, और यदि आप हायर पेंशन का विकल्प लेने के लिए इलिजिबल है, पात्र है, तो आपको क्या प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के तहत यहां पर जो है आवेदन करना होगा, तब आपको हायर पेंशन का फायदा यहां पर मिलेगा, इस सब की जानकारी एक सर्कुलर में दी गई है। जैसा कि सर्कुलर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईपीएफओ मुख्य कार्यालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से यह सर्कुलर 29 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि दिनांक 4/11/2022 को आया था उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है और यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस योजना में शामिल किया गया है, किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का विकल्प दिया जाएगा और किन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का विकल्प नहीं दिया जाएगा, इन सब चीजों की जानकारी इस पूरे सर्कुलर में दी गई है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि इस सर्कुलर में आखिर ईपीएफओ ने किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बेनिफिट दिया है, किन पीएफ खाता धारकों को बेनिफिट दिया है और किन्हें जो है हायर पेंशन का विकल्प का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, ईपीएफ खाता धारक है, आप हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो ईपीएफओ के इस सर्कुलर के हिसाब से किसे जो है हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र माना गया है। सबसे पहले कंडीशन है कि आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं, आपने अपनी एक्चुअल वेतन पर कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि जो उस समय सीलिंग लिमिट चलती थी 5,000 रुपये और 6,500 रुपये, उस सीलिंग लिमिट के ऊपर आपको जितनी भी वेतन मिलती थी उसके हिसाब से आपने कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप जो है हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल है। आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति मिल रही है। सेकंड चीज, आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं और आपने कभी ईपीएफओ में इस तरह का आवेदन किया था कि आपको हायर पेंशन का विकल्प चाहिए, आपने उसके लिए अपने नियोक्ता को भी राजी कर लिया था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा था, लेकिन किसी कारणवश ईपीएफओ ने आपका आवेदन यहां पर निरस्त किया है, तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं और अपनी हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। तीसरी चीज, किसी भी कंडीशन में यदि आप ईपीएफओ के मेंबर है और ईपीएफओ की ओर से आपके हायर पेंशन के विकल्प को रद्द किया गया है, अस्वीकार किया गया है, तो आप यहां पर हायर पेंशन का विकल्प पाने के लिए एलिजिबल है। आप दोबारा से अपनी हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन तीनों कंडीशंस को मैं दोबारा यहां पर रिपीट कर देता हूं। पहली चीज, आप 1/9/2014 के पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं और आपने कभी न कभी हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ईपीएफओ ऑफिस में आवेदन दिया है, लेकिन किसी कारणवश आपका आवेदन निरस्त हो गया था, तो आप जो है यहाँ पर दोबारा आवेदन देकर अपनी हायर पेंशन स्टार्ट करवा सकते हैं, हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। सेकंड चीज, आपने अपनी सीलिंग लिमिट जो कि उस समय 5,000 रुपये और 6,500 रुपये होती थी 1/9/2014 के पहले, उस सीलिंग लिमिट के ऊपर एक्चुअल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि 5,000 रुपये की सीलिंग लिमिट है और उससे ज़्यादा पर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट है और उससे ज़्यादा पर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसी स्थिति में भी आप अभी हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एलिजिबल है। तीसरी चीज, किसी भी कंडीशन में ईपीएफओ ने आपका हायर पेंशन का विकल्प निरस्त किया है, आपने चाहे आवेदन कभी भी किया हो, आप ईपीएफओ के मेंबर थे, आपने हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन किया था, ऐसी स्थिति में यदि ईपीएफओ ने किसी भी कारण से आपका आवेदन यहाँ पर निरस्त किया हो, तो आप दोबारा से यहाँ पर जो है अपना आवेदन कर सकते हैं, हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, पीएफ खाता धारकों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं होगी। यदि आप 1/9/2014 के पहले यहाँ पर रिटायरमेंट हो चुके हैं और आपने कभी भी किसी भी तरह से हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ईपीएफओ में आवेदन नहीं किया है, आपने अपनी सीलिंग लिमिट 5,000 रुपये या 6,500 रुपये के ऊपर
कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, यानी कि ईपीएफओ के नियमानुसार सीलिंग लिमिट के नियमानुसार ही आपने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है और कभी भी आपने ईपीएफओ को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन नहीं दिया है तो आप हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब 1/9/2014 के पहले जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं, ईपीएफओ के आए सर्कुलर के अनुसार जिन लोगों को ईपीएस 95 पेंशन की हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका यहाँ पर दायर की गई है, जिसे कि पहले 2 जजों की पीठ के बीच यहाँ पर रखा गया था, जिस पर 16/12/2022 को यहाँ पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जो पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो केस का निर्णय आया ये 3 जजों की पीठ के बीच का था, इसीलिए उसे दोबारा से 3 जजों की पीठ के बीच यहाँ पर भेजा गया है। तो जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी ईपीएफओ के सर्कुलर के हिसाब से हायर पेंशन का विकल्प नहीं मिल रहा है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस अभी जो है यहाँ पर जारी है। अब यहाँ पर जानते हैं कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ईपीएफओ ने जो सर्कुलर अभी जारी किया है, सर्कुलर के अनुसार हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल है, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पर जब आपने पहले आवेदन किया था उस आवेदन की प्रति या आपने अपनी सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन करवाया है उस कंट्रीब्यूशन का प्रूफ देकर आप यहां पर जो है हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने उस समय अपने नियोक्ता से जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया था उसकी भी प्रति आप यहां पर जो है लगा सकते हैं। हालांकि इस सर्कुलर से अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 1/9/2014 के बाद में जो लोग यहां पर रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके लिए किस तरह से ईपीएफओ हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको लेकर अभी सर्कुलर आने बाकी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन संशोधन योजना को लेकर अपना फैसला सुनाया था उसमें 5-6 प्रमुख निर्णय यहां पर सुनाए थे, जिसमें से एक ही निर्णय के ऊपर अभी तक ईपीएफओ का सर्कुलर आया है, तो अभी और ईपीएफओ के सर्कुलर आने की यहां पर उम्मीद है, जिससे कि और स्पष्ट यहां पर हो पाएगा कि किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति मिल रही है और किसे हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं मिल रही है। फिलहाल यदि आप इस सर्कुलर की कॉपी पाना चाहते हैं तो इस सर्कुलर की कॉपी आपको ईपीएफओ के सर्कुलर सेक्शन में भी मिल जाएगी, साथ ही एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिल जाएगा। इन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसे हिंदी में समझने के लिए हमारे ब्लॉग employeekhabar.com पर विजिट कीजिए, वहाँ पर जो है इसका हिंदी रूपांतरण भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने जो अभी यहाँ पर सर्कुलर जारी किया है इसको लेकर अभी बहुत सी कमियाँ इसमें जो है नज़र आ रही है, कई चीज़ों पर अभी स्पष्टीकरण होना बाकी है। जैसे ही इन सभी सवालों के जवाब हम तक आते हैं, इस पर जो स्पष्टीकरण आता है आपके साथ वीडियो बनाकर हम साझा जरूर करेंगे। तो हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह से पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।